और आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है श्रिया घोषाल एंड एआर रहमान परफॉर्मिंग टुगेदर एट आनंद अंबानी वेडिंग सेरेमनी। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का रिचर्निक का आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। एंड चित्रा जी the one who has originally sung this song. I just want to send my pranams if she's listening. Probably some video will go out and she'll listen. I absolutely adore her. Dress acha pehna hai na? I think वही होगा। यार रहमान के लिए था। I think music इनका है ना? हाँ। बहुत डिफिकल्ट सॉन्ग है। वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले। कैसे मेरे दिल न जाने अब क्या करे क्या ना मिले कैसे उन्हें मैं पुकारूं। यहाँ फील ही अलग है। कितने स्विच हुए हैं। गाना याद है उनको खुशी जो उठी दुनिया ये मेरी
बहुत मजा आ रहा है यार। कुछ आवाज़ें इतनी मधुर होती है ना कि यार आप उन्हें जितनी बार सुने आपको जो है ना उतना जो है उसके सुर में जो है आप मेरे डूबते ही जाते हैं। और मेरा ख्याल श्रेया घोषाल जी की आवाज़ उन्हीं आवाज़ों में से एक है। और साथ साथ भाई के एस चित्रा जी की बात करें तो भाई वो तो मैं कहूँगा कि उनकी तारीफ जितनी करें आप काम में। बट मैं ये बात बोलूँगी कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है बड़े कलाकारों का स्वभाव के जिस तरीके से वो कोई भी परफॉर्मेंस देते हैं तो एक जो रिस्पेक्ट वो शो करते हैं अपने सीनियर्स के लिए। जिस तरह से श्रेया जी ने भी बोला कि के एस चित्रा जी का ये सॉन्ग है और मतलब वीडियो ऑब्वियसली बाहर जाएगी और वो सुनेंगे, तो मतलब कहीं ना कहीं पर ये एक डर है ना कि हम उस सॉन्ग के साथ जस्टिफाई कर सकें उस तरीके से मतलब परफॉर्म कर सकें कि एक होता ना कि टीचर का कि टीचर को पसंद आ जाए तो वो वाली जब आपको यू नो चीज़ नज़र आती है ना तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात होती है और बहुत सारे लोगों को इसे सीखना चाहिए कि किस तरीके से ना मतलब आप अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हो। और मुझे लगता है कि ये बहुत खूबसूरत जेस्टर जाता है यार। मैं बिल्कुल जो है ना एग्री करूँगा कि जो आपको सिंगर्स जो है ना देखने को मिलते हैं जो रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट शो करते हैं। बहुत देर पहले मैं मुझे अब याद नहीं, मैं किसी फीमेल सिंगर ही थी उनका जो है मैं एक गाना उन्होंने लाइव गाया था कहीं पर तो मैं सुन रहा था तो उस गाने में मेल पोर्शन भी था तो उन्होंने जो है ना मेल पोर्शन गाने से पहले ना मैं माजरत करती हूँ कि आप यहाँ पर नहीं हैं और मुझे जो है ना आपका पोर्शन भी जो है वो गाना पड़ रहा है। तो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो होता है ना वो वाकई आपको जो है ना बड़े सिंगर्स में जो है वो नज़र आता है। श्रेया घोषाल जी ने भाई जिस तरह गाना गाया और बीच में जो एक टच जो है एक तड़का जो है ए आर रहमान सर ने अपनी आवाज़ का भी जो है वो दिया, मैं कहूँगा भाई वहाँ पर जिस तरह स्विचिंग हुई है ना वो बहुत मज़े की थी। नहीं जो ओरिजिनल सॉन्ग है ना वो भी इसी तरह का है, इसी तरह ही है। तो मुझे ए आर रहमान सर के सॉन्ग्स और म्यूजिक की ये बात बड़ी अच्छी लगती है। एक तो ये मतलब बहुत पुराना सॉन्ग है मनीषा कोइराला मैं पर ये हाँ पिक्चराइज हुआ था। मुझे फिर अगेन इसीलिए याद है ये गाने क्योंकि ये गाने बचपन में मैंने कहीं ना कहीं पर सुने हुए अपने घर में तो आपको एक मेमोरी जो है रह जाती है। लेकिन मैं कहूँगी कि जिस तरीके से श्रेया जी ने गाया और लाइव परफॉर्मेंस और बाकी सारे म्यूजिशियन और फिर उसके साथ ए आर रहमान सर की जिस तरह से आपको एक आप लोगों के एक ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं ना स्विच करना एक सिंगर से दूसरे सिंगर में बहुत बहुत खूबसूरत था। आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि ए आर रहमान सर के सॉन्ग्स और उनके म्यूजिक इस तरह की है कि जो एवरग्रीन है आप किसी भी राह में सुनते हो ना तो आपको फ्रेश के फ्रेश लगते हैं उनका म्यूजिक। कभी भी ऐसा नहीं आपको लगता कि ये पुराना हो गया, आप इतना ज़्यादा इंजॉय करते हो। और मैं कहूँगी कि जितना भी उनके लाइक ग्रुप में जितने भी लोग थे ऑब्वियसली वो ए आर रहमान सर के ग्रुप में होंगे जितने भी म्यूजिशियन थे तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति का बड़ा ना अहम रोल होता है तो मतलब उसको खूबसूरत बनाने में। एक लीड सिंगर नो डाउट वो फ्रंट लाइन पर आकर तो गा रहा होता है लेकिन बाकी बहुत सारे चेहरे ऐसे होते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन होता है और जो उस एक सॉन्ग को खूबसूरत बना रहे होते हैं। जो बैकग्राउंड में आपके सिंगर्स होते हैं ना वो जो गाने में एक एको की जो इफेक्ट डालते हैं वो बहुत जो है वो अच्छा लगता है। भाई कुछ म्यूजिशियन सच में ऐसे हैं जिनका म्यूजिक जो है ना वो 90s में तो बना है लेकिन अगर आप आज के टाइम पे सुने ना तो आपको स्टिल वो फ्रेश लगते हैं। उसमें ए आर रहमान सर जो है ये इनका एक बहुत बड़ा नाम है। फिर उसके बाद बिद्दू जी की अगर बात करें फिर उसके बाद बप्पी लहरी सर की बात करें नुसरत फतेह अली खान साहब की बात करें तो ये मेरा ख्याल है कि वो म्यूजिशियन है जिनके गाने आप आज भी सुनते हैं ना आपको एक बड़ी फ्रेश जो है वो फीलिंग्स जो है वो मिलती हैं। बिल्कुल मैं नुसरत फतेह अली खान सर के बारे में भी बोलूंगी कि बिल्कुल उनके उनके सॉन्ग भी जब हम सुनते हैं उनका म्यूजिक सुनते हैं ना मुझे वाकई में मुझे ऐसा लगता है कि ना बहुत फ्रेश है। और अभी हम लोगों ने मतलब ये नया सॉन्ग हम लोगों ने सुना है मतलब एक वाइब होती है फील होती है जिसके साथ आप कनेक्ट कर पाते उस म्यूजिक के साथ। और अगर हम लोग के एस चित्रा जी की बात करें तो उन्होंने बहुत बहुत हिट नंबर्स जो हैं वो दिए हैं और मतलब एक गाना वैसे बिल्कुल उसका नाम लेना चाहूंगी क्योंकि अगेन आप थोड़ा सा बचपन की मेमोरी नहीं नहीं वो रूप सुहाना लगता है बड़ा सुनते होते थे हम ये वाला गाना। सब म्यूजिक भी बहुत अच्छा रूप सुहाना लगता है यार। वैसे मुझे तो ये हसीं वादी और रात का नशा जो है ना उनका गाना ये दोनों बहुत बहुत अच्छा गाना है। देखो इनके म्यूजिक कितने अच्छे हैं और आई थिंक जो अशोका मूवी है उसको भी शायद ए आर रहमान सर ने ही म्यूजिक दिया मेरा ख्याल है। एनीवे गाइस आप जरूर बताइए कि आपको ये परफॉर्मेंस कैसी लगी क्योंकि मुझे खुद लाइव परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी लगती है स्पेशली इतने अच्छे सिंगर्स की क्योंकि आप अलग ही जोन में चले जाते हो। बिल्कुल और इतने अच्छे म्यूजिक सिस्टम के साथ आपको सुनने को मिले तो आप एक और अलग जोन में चले जाते बिल्कुल हैं। सो आप जरूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी और इसके साथ हमें जल्द मैं वीडियो चैनल करें।